मेरा नाम काशविनी गहलोत है और मैं आप सभी जालौर और रोई साचौर के क्षेत्र के निवासियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि 4 अप्रैल को मेरे पापा श्री वैभव गहलोत अपना नामांकन लोकसभा चुनाव को लेकर 8 अप्रैल को नामांकन वापसी के बाद चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जाने के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में लग गयी। इस बार जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी रूप में चुनावी मैदान में। वही वैभव गहलोत को जिताने के लिए इस बार गहलोत परिवार ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहली बार के चुनाव में गहलोत का पूरा परिवार चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर 8 अप्रैल को नामांकन वापसी के बाद सभी प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा का कड़ा मुकाबला रहने वाला है। वही इस बार वैभव गहलोत को जिताने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी पत्नी सुमित्रा, इसके अलावा बहू ईमान सिंह और वैभव की बेटी काशनी गहलोत और इसके अलावा वैभव का परिवार भी चुनाव मैदान में उतर गया। इस दौरान वैभव की पत्नी ईमान सिंह गहलोत सुबह से देर रात तक अलग अलग गाँव में जाकर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। नामांकन सभा से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक होकर कहा था कि मेरी पत्नी पिछले 40 साल से आज तक कहीं भी चुनाव मैदान में नहीं गई, लेकिन पहली बार अपने बेटे के लिए जालौर से वोट मांगने आई है।